सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं कुशागर बुद्धि प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक रचना हरियाणवी भाषा में मेरे पास है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। समाज में जितने भी बुराइयां, जितने भी अवगुण हैं, उन सब से हम आपको अवगत कराते रहते हैं। और एक समस्या, एक बुराई नशा भी है, जो कोई शराब के रूप में, कोई धुएं के रूप में ग्रहण करता है। इन सब से आप बचे रहेंगे, इसको बताने का, सुनाने का आपका यही मकसद है कि इसको ग्रहण करने से आप समाज में किस तरह से हंसी के पात्र बन जाते हैं, और इसको छोड़ देने से आप किस प्रकार से अपना जीवन जो है बखूबी निर्वहन करते हैं। बुलाए ना भूलता, बुलाए ना भूलता वो जमाना पुराना रहे, जिस समय हरियाणवी संस्कृति पहले झलकती थी, उसे बिल्कुल आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। बुलाए ना भूलता वो जमाना पुराना रहे, और घर क्या न लुकमा जोड़ के मनाना रहे। बुलाए ना भूलता वो जमाना पुराना रहे, घर क्या न लुकमा जोड़ के मनाना रहे। बड़बेरी व बाग में मीठे बेरा आली, बड़बेरी व बाग में मीठे बेरा आली, और वह तोते के खाए ओढ़ बेरा की डाली। पेड़ पे जामन लिया कर दे काली काली, और वो लाठी वाला बुढ़ा था उनका रुखाली। सांझ ने घरा लेके फिर उलाना आना रहे, और फिर बाबू की पिटाई थे माँ का बचाना रहे। और भुलाई ना बोलता वो जमाना पुराना रहे। बजाइए बजाइए जोरदार तालियां जिसको परमपिता परमात्मा ने दोनों हाथ दिए हैं। खेल कौन से थे हमारे, खेल कौन कौन से खेलते थे? अड़बड़ कंचे पकड़म पकड़ाई क्यारा क्यारी, और गदा पकड़ के कदे कदे हम कर दे बहुत सवारी। और क्यों कर बोलो अनसे नंबर पाके थुड़िया मारी, दाबे ते बिना खून रुके ऐसी आई थी पचकारी। अरनांडे आने एक ईट का खोरा तो कल्याणा रहे, और या बहु किसकी नौका के पानी में बगाना रहे। और बुलाए ना बोलता वो जमाना पुराना रहे। बाजरे की रोटी पे
वह टिंडी याद आवे है, बाजरे की रोटी पर वह टिंडी याद आवे है, और चूरमे की वह खाया करते पिंडी याद आवे है, और कपड़े की एक मिंडिया करते वह गिंडी याद आवे है, और दाताली जेवड़िया की वह बिंडी याद आवे है। सीसम वाले खेत में मोर का बिठाना रहे और उठ के सबके पल्या चंदे ठा के लेना रहे, और बुलाई ना बोलता वो जमाना पुराना रहे। ठाके तख्ती बस्ता हम पढ़न जाया कर दे, ठाके तख्ती बस्ता हम पढ़न जाया कर दे, दो का पेड़ा सो की गिनती नू रट्टा लाया कर दे, और सब ते गाड़ी किस की शाही नू होड़ लगाया करते, लेकर परवा एक बड़ी आखत की, लेकर परवा एक बड़ी आखत की कलम बनाना रहे, कार्ड खटकने तख्ती फिर मास्टर ते दिखाना रहे, और मुल्तानी ते पोत के तख्ती फिर गांव के में सुखाना रहे, और बोलाए ना बोलता वो जमाना पुराना रहे। आखिरी पंक्तियां है, बात हरियाणा दिवस की है, तो एक छोटी सी बात मैं आपको हरियाणवी भाषा में भी बता देता हूं। एक बार एक शराबी बहुत ज्यादा शराब पीता था, सब ने उसको मना कर दिया, भाई छोड़ दे, शरीर के लिए नुकसानदेह ही है, नुकसानदेह है, और पैसे की भी आर्थिक भी तंगी है, तो जो भी कोई उसको बोलता वो सबको मना कर देता, कहते छोड़ दे भाई, तो वो कहता के बार बार समझाने के बाद उसको एक स्कूल में ले गए और एक अध्यापक को समझाया जहां वो पढ़ता था, भाई इसको समझाओ, तो उस अध्यापक ने दो बाल्टी पानी मंगवाया, एक बाल्टी में शराब डाल दी और एक में पानी, जोन सी बाल्टी में शराब थी वो गधा उल्टा उठ गया उसको, और जिसमें पानी था वो पी गया। फिर टीचर ने कहा, मास्टर ने, भाई आगे समझ में बात है, बोले के आई, बोले जो गधा है वो दारू नहीं पीता। फिर समझाया, दो गिलास फेर लिया पानी के, शीशा वाले कांच के गिलास, एक में शराब डाल दी एक में पानी डाल दिया, वो जिसमें पानी डाल रखा था एक जिंदा कीड़ा उस गिलास में डाल दिया पानी वाले में, वो तैरता रहा, और जिसमें शराब थी वो कीड़ा फिर उसमें डाल दिया, शराब में वो पड़ता ही मर गया। टीचर ने कहा, देख अब आया समझ में कुछ, समझ में के आगे, बोला हम बाल्टी लिया गधा लिया से, या तो भीतर में गल गई, के गल गई, बोले तो पेट के कीड़े बीमार है। फिर कहा, भाई यू नहीं छोड़े, सारे परिवार के घर के रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए और कह आग, भाई छोड़ दे अच्छी चीज नहीं है, बोले छोड़ दो अभी, बोले तीन शरद है मेरी मनो के छोड़ दो, बोले के हैं, बोले एक दो तीज त्योहार न पियो, होली त्योहार न जरूर पियो, न बोले साल में एक दो बार आवे है पी लिए कोई बड़ी बात नहीं, बोले दूसरी, बोले ब्याह शादी होगी तो उसमें भी पियूंगा। अब परिवार वाला ने सोची, हर रोज से तो अच्छा है पी लिए, और बोले तीसरी और बता दे, बोले मरा जी करेगा जब पीऊंगा, बोला भाई ये नहीं छोड़ेगा। एक बार अपने विनोद डॉक्टर है गांव में, उसका कोड़ा का मारी बांस के खेड़, बोले डॉक्टर साहब नहीं सुनी है शराब छोड़ रहा हो, बोले हाँ भाई छुटवाते हैं, किसकी छुटवानी, बोले मेरी पुलिस ने पकड़ रखी है दो पेटी छुटवा दे। एक बार रोटी खाओ था, कुत्ता आ गया, तो कुत्ता आ गया रोटी खाता खाता, बोला बोला भगवान रोटी लेन कुत्ता आ गया, रोटी तो कौन है, बोला रोटी नहीं तो लठलिया खा ली के जान नहीं आ गया। अब आपको हंसाने का, आपकी बोरियत को दूर करने का एक तरीका था, आखिरी पंक्तियां हैं, लेकिन आपकी जो हंसी है ना हंसी, वो सिर्फ क्लासरूम वाली होनी चाहिए। मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूं हंसी क्लासरूम वाली कौन सी होती है, सिर्फ सिर्फ आपको मुस्कुराना होता है। और कई तो जो पीछे बैठे हैं वो हंसने का तरीका कैसा है, जैसे अनपढ़ हंसते हैं, हा 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 हा।
ये अनपढ़ों की मूर्खों की है और एक ऐसी होती है ये 30 से 40 उम्र के ऊपर जो इंसान होते हैं वो हंसते हैं। कभी देखा आपने जैसे पंचर होता है ना एक, उसके बाद जो 40 और 50 के बीच में जो इंसान हंसते हैं। कार देखी आपने, कार जैसे स्टार्ट होती है अब आपने रामायण भी देखी होगी, रामायण में रावण को भी देखा होगा, उसको बोलते हैं रावण हसी। कैसे अब आ जाइए इसकी आखिरी पंक्तियां है, राजी होकर पिया कर दे, राजी होकर पिया कर दे उस दैयत बलोई ने, लुक छुप कर चाटा कर दे खिचड़ी की डोई ने। डोई का मतलब है करछी, जिसकी शादी में बारिश हो जाती तो बोलते थे वह करछी चाट रहा है। क्यों कर लिपा कर दी मां, क्यों कर लिपटा कर दी मां उस माटी की रसोई ने, और छोटा मांडा पोते माँ पर खोश सुन की लोई ने, और बिठा के ना अपने दोरे, बिठा के ना अपने दोरे, अपने हाथ तक खुआना रहे और दूध के जगूड़ा थे वो मुंह के मुंह चलाना रहे, और बोलाई ना बोलता वो जमाना पुराना रहे।